नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले आते हैं आपकी फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पूरे पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आपके जैसे ही कोई भी बात दिलो दिमाग में आएगी उस पर क्विकली रिएक्ट करना, एक्शन ले लेने लगना, इस प्रकार का नेचर यहाँ आपका रहने वाला है। साथ ही साथ थोड़ी कम एनालिसिस पर्सनैलिटी होने के कारण रिजल्ट की चाह ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जहाँ तक देखें लिटिल फिंगर की लेंथ के विषय में, तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर से थोड़ा सा शॉर्ट है। अदरवाइज कोई इससे मेजर इशूज़ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर बात को दबाना, अपनी मन की बातों को प्रॉपरली किसी स्ट्रेंजर या नए पर्सन के सामने या अपोजिट जेंडर के सामने में रखने में हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या शर्मिलापन, इस प्रकार के फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। अदरवाइज थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ पर आएंगे आप, तो थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब लाइफ में कभी भी किसी प्रकार का रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे, यानी हिम्मती स्वभाव को ये व्यक्त करता है। फिंगर के ऊपर यहाँ आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है, तो हर परिस्थिति माहौल में आप ढल जाने के सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर जो आड़ी रेखा है वो एक प्रकार से रिलेशंस में होने वाले अनबन, मतभेद और थोड़े से डिस्टेंस को भी इंडिकेट करता है, यानी जैसे आपके रिलेशन प्रॉपरली मेंटेन्ड होते हैं वैसे ही थोड़े से उसमें समय समय पर डिस्टेंस भी आ जाने वाला रहता है। अदरवाइज यहाँ देखें तो फैलेंजेस डेवलप ठीक है और अंदरूनी मंगल डेवलप्ड है, तो इस कारण से स्टेमिना या एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं जो थंब का साइज़ है वो थोड़ा सा मुझे शॉर्ट यहाँ देखने को मिल रहा है आपका, जो कि एक प्रकार से टू द पॉइंट बात करना या सुनना ऐसी प्रवृत्ति को इंडिकेट करता है। बहुत जल्दी दूसरों की बातों को आप भूल जाने में सक्षम भी रहेंगे, और कहीं ना कहीं बिना एनालिसिस के जो भी आप एक्टिविटी अपने लाइफ में करेंगे उसमें मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं डिमेरिट को ये इंडिकेट करता है। इट मीन्स लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं अगर आप जल्दबाजी में कोई भी काम करेंगे तो। अदरवाइज़ जो भी आपके इमोशंस, फीलिंग्स रहेंगे उसको अपने लोगों के सामने बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देने वाले रहेंगे। और सेकंड फिलिंच की लेंथ भी यहाँ डेवलप्ड है, थोड़ा सा थंब यहाँ पर सशक्त नहीं है, तो उस कारण से हर परिस्थिति माहौल में जैसे आप ढलते हैं वैसे ही अपने निर्णयों के अंदर या प्लानिंग्स के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को भी ले आएंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा जल्दी इन्फ्लुएंस भी आप हो सकते हैं, तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं अपने बात पर अड़िग फिर नहीं रह पाते हैं। इट मीन्स कोई भी व्यक्ति आएगा, आकर के उसने आपको किसी प्रकार का ज्ञान दिया, आपको वो एकदम करेक्ट लगेगा, तो इन्फ्लुएंस वो कहीं ना कहीं अपने बातों के द्वारा इजीली कर सकता है। इसीलिए आप जैसे जो जातक होते हैं खासकर, वो कभी किसी को ना प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। वहीं पाम के साइज़ के विषय में आया, तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपकी लंबाई में ज़्यादा है, तो इस कारण से बैठे बैठे अधिक कार्य करने की क्षमता देखने को मिलती है, जिसका मतलब आप सेल्स मार्केटिंग में या एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव, इस प्रकार के जो फॉर्मेशंस हैं, यानी इस प्रकार के जो योग हैं पाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अब जैसे यहाँ पर आते हैं बारीकी पे, तो यहाँ देख पाएंगे कि आपका इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई काम करने से पहले ऊर्जा, उत्साह, उमंग, एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। थिंकिंग जोन इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन एक्शन जोन अच्छा है। इट मीन्स कोई भी काम करने के पहले आप ज़्यादा सोचते विचारते नहीं है, डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, तब जाके प्रो कॉन्स या एनालिसिस उसके ऊपर करते हैं। अब जैसे शुक्र शासित हाथ है, तो लग्जरियस लाइफ की चाहत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वहीं थोड़ा कामुकता भी ज़्यादा रहता है, लेकिन ओवरऑल लाइफ में हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन और हर प्रकार की सुख सुविधाएँ देखने को मिलती है, उसमें कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है। इसके अलावा आपके पाम में बाहरी मंगल का एरिया बहुत अच्छा डेवलप है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एग्रेशन है उसका यूटिलाइज आप प्रॉपरली कर भी पाते हैं, यानी जो सहन शक्ति है आपके अंदर वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, यानी सोच समझ के कोई भी एक्शन या कोई भी एक प्रकार से रिएक्शन किसी चीज़ का देना, उस प्रकार की युति बनती है। मतलब इट मीन्स कि जब बाहरी मंगल डेवलप ज़्यादा होता है तो आप जैसे लोगों में सोचने समझने की क्षमता या कह सकते हैं कि सहनशीलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लोगों के झगड़ों को जैसे सुलझाना या एक प्रकार से डिफेंसिंग नेचर जो है अब आपको यहाँ बेसिकली देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो सबसे मेनली जो मैंने बताया कि आपका पाम में शुक्र और बाहरी मंगल डेवलप है, तो इट मीन्स आपका ड्रीम डिज़ायर बहुत ज़्यादा बिग लाइफ में देखने को मिलेगा, और बेसिकली हर प्रकार के जो बेसिक नीड्स हैं जैसे खाओ पियो, इन्जॉयमेंट, घूमना फिरना, ऐशो आराम, ये सारी चीज़ों को सबसे पहले अपने लाइफ में आप सेटल करेंगे, देन आफ्टर फर्दर प्रोसेस, यानी कुछ और इसके बाद करने वाले रहेंगे।
जब शुक्र और बाहरी मंगल डेवलप ज़्यादा होते हैं तो जीवन जीने की इच्छा भी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि एक प्रकार से जो मेंटली स्ट्रांग पर्सनैलिटी है वो आप जैसे लोगों का देखने को मिलता है। बाकी ये रेखाएं सारी अच्छे से व्यक्त कर पाएंगी बातें। तो अब यहाँ पर गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं, तो गुरु का क्षेत्र इतना ज़्यादा डेवलप्ड यहाँ नहीं है। अब जैसे देखा जाए तो ऊपर का कोई भी पोर्शन यहाँ डेवलप्ड ज़्यादा नहीं है, तो जब ऊपर का यानी अपर पार्ट ऑफ पाम डेवलप नहीं होता है तो ये कहीं ना कहीं जॉब या करियर को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी को सबसे मेनली इंडिकेट करता है। अब जैसे गुरु माउंट इतना ज़्यादा आपका एक्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आड़ी रेखा ये कंपेरेटिवली अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये डबल ट्रिबल सोर्स ऑफ अर्निंग को सबसे मेनली इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो माइंड लाइन से भी कुछ प्रोग्रेस लाइन जारी है जो एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है, तो इसके कारण जो भी आपका ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन रहेगा उसको आप फुलफिल भी कर पाएंगे। यहाँ ये पाम में गुरु माउंट अच्छा जब नहीं होता है तो ये मैरिड लाइफ को लेकर के फैमिली लाइफ को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन या अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। वहीं सैटर्न माउंट भी थोड़ा सा फ्लैट है, और जहाँ तक बात करें आपके फेट लाइन की तो ये फेट लाइन मून के एरिया से स्टार्ट होते हुए कहीं ना कहीं रुक रुक करके चल रहा है। जब फेट लाइन यहाँ पर रुक करके चलती है तो प्रोफेशन करियर में चेंजेस देखने को ज़्यादा मिलता है, यानी टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ वर्क एंड जॉब्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, और जॉब के अंदर या एक प्रकार से धन अर्जन के जो सोर्सेज हैं उसमें चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जब फेट लाइन टूट करके चले तो इतना ज़्यादा लक का साथ फिर कई ही मामलों पर नहीं भी मिल पाता है, इट मीन्स फेट का साथ बहुत सारे मामलों में नहीं भी मिल पाता है। अब यहाँ पर आपकी जो फेड लाइन है टूट करके सैटर्न तक पहुंचा है, इट मीन्स सेटिस्फेक्शन तो आपको मिलेगा अपने लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं डिले होकर के जो रुक रुक करके काम होता है या अड़चन के बाद जो काम बनता है उसके बाद सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपका। इससे मजबूत फेड लाइन तो यहाँ आपके जो लाइफ लाइन से निकला है ये है, क्योंकि ये सेल्फ मेड लक लाइन है, इट मीन्स आपके जो भी एफर्ट्स रहेंगे वो जाया नहीं जाएंगे, यानी जिस भी काम में आप एफर्ट्स डालेंगे उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस आपके ज़्यादा रहने वाले हैं। अब यहाँ ये जो आपका ऑफशूट निकला है पहला वाला, यहाँ ये उम्र इंडिकेट करता है अप्रोक्सीमेटली 34 अराउंड में। फिर जो दूसरा निकला है वो अप्रोक्सीमेटली 38-39 के एज में। जो थर्ड वन निकला है वो तकरीबन 42-43 के बीच में, मतलब ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ और ड्रास्टिक चेंज या अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के अच्छा आने वाला रहेगा। बात करें सूर्य के क्षेत्र की तो सूर्य का क्षेत्र विकसित यहाँ ठीक है, और सूर्य की रेखा भी है तो अच्छा पावर अथॉरिटी जॉब को ये इंडिकेट करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर्क आपके ऊपर रहने वाला रहेगा। और वहीं सूर्य रेखा की भी बात की जाए तो सूर्य रेखा यहाँ पर कंपेरेटिवली बहुत अच्छा आपके अंदर चल, मतलब माइंड लाइन के अंदर से ही ये निकल के चल रहा है। इसमें थोड़ा सा गैप आने के कारण फोकस में ये थोड़ी कमी को इंडिकेट करता है, लेकिन जो मेन यहाँ आपकी लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इस कारण से ये धन की स्थिति में कोई ऐसी खराबी नहीं इंडिकेट करता, धन जीवन में अच्छा रहेगा। वहीं इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान इसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि अंततः ये रेखा जो बायफोर्क हुआ है, हालांकि ये बायफोर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ है, लेकिन तब भी जब इस प्रकार का बायफोर्क देखने को मिलता है तो ये अच्छे धन संपत्ति को इंडिकेट करता है, जो आप अपने खुद के दम और बलबूते पर बना लेने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा यहाँ बात करें आपके मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट थोड़ा दब रहा है तो कई मरतबा आपकी बातें मन में रह जाती है या मुंह पर आकर के रुक जाती है। वहीं मल्टीपल लाइन भी यहाँ अवेलेबल है तो इस कारण से अट्रैक्टिव नेचर या वॉइस आपका देखने को मिलेगा, और अपने बातों से ईजिली किसी को कन्वेंस भी कर सकते हैं। दो यूनियन लाइन अवेलेबल है तो लाइफ में एक से ज़्यादा बार अफेयर रिलेशंस रहने के चांसेस यहाँ बनते हैं। ज़रूरी नहीं ये दो मैरिज ही कराए, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दो रिलेशंस की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। हार्ट लाइन की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन इस प्रकार से सीधे निकलते हुए गुरु से कनेक्टेड है, तो ये इमोशनल नेचर को भी इंडिकेट करता है। कहीं ना कहीं आप ओवर एक्सपेक्टेशंस दूसरों से रखते हैं, ये आपको नहीं रखना है। अगर ओवर एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो बहुत बेहतरीन चांसेस हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन टूटे और इमोशनली हर्ट आप हो यहाँ पे, क्योंकि होता यह है कि आप हैं इमोशनल नेचर के तो अपने तरफ से किसी भी रिलेशंस में आप 100% देते हैं, लेकिन रिटर्न टू बैक आपको उतना मिले ये संभव नहीं है। अब देखिए इमोशनल नेचर के कारण ही कितनी सारी मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर आपके नीचे की ओर आ रही है, ये सारी की सारी इमोशनल सेटबैक्स लाइन है। इट मीन्स कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुँचता है, धोखा मिलता है, एक्सपेक्टेशन टूटता है, वैसे योग ज़्यादा बनते हैं। इसीलिए इस चीज़ पर ध्यान रखें, प्रैक्टिकलिटी जितनी ज़्यादा रखेंगे लाइफ में उतना ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वहीं नीचे की ओर कुछ रेखाएं आ रही हैं तो ये इन्वेस्टमेंट अच्छा करवाती है, क्योंकि जब आपके फेट लाइन के द्वारा स्क्वायर का फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट हो, सन लाइन के द्वारा भी स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कंपेरेटिवली यहाँ
संपत्ति यानी प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। अब क्योंकि ये मंगल का ही एरिया है तो इसीलिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के जो चांसेस भी हैं आपके वो 35 अप्रोक्स एज के बाद से बहुत अच्छे हैं। तो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी रहने के यहाँ पूरे के पूरे योग अवेलेबल हैं। इसके बाद बात करें आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फ्लो यहाँ पर आपका आगे की ओर चल रहा है और इसमें एक बायफोर्क भी हुआ है और सन लाइन के द्वारा ट्रायंगल बन रहा है। तो गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलना या गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हुए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के चांसेस हुए, मेमोरी शार्प, यहाँ ये सारे योग देखने को मिल रहा है। आपका ग्रेसिपिंग स्किल बहुत अच्छा रहेगा जिसके कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं और पुरानी से पुरानी बातों को याद भी आप अच्छे से रख पाने में सक्षम रहेंगे। तो माइंड लाइन में जब बायफोर्क होता है और जब ट्रायंगल बन जाए तो इस कारण से डिसीजंस के द्वारा लाइफ में ग्रोथ अच्छी मिलती है। तो जितना हो सके सुने सबकी लेकिन करें सिर्फ अपने मन की। जो आप एनालिसिस करके डिसीजंस लेंगे मोस्ट प्रोबेबली सब में आपको ग्रोथ या सक्सेस अच्छे से मिल पाएगा। अगर इस पे डाउट हो तो पीछे जा कर के देखें, पीछे मीन्स पास्ट में, जब जब आपने खुद से डिसीजन लिया है तब तक आपको क्या जो है लाइफ में फेसेस देखने को मिला है। ये बात ज़रूर है कि थोड़ा टफ आपकी लाइफ ज़रूर है लेकिन जब जब आपने डिसीजन खुद से लिया होगा सब में आपको ग्रोथ, प्रोग्रेस या सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिला होगा। रीज़न और भी है कि इसके पीछे सेल्फ मेड लक लाइन है। सेल्फ मेड लक लाइन क्या इंडिकेट करती है कि जितना भी बाहरी लक हो वो ज़्यादा प्रभाव जीवन में नहीं देता लेकिन जो भी काम खुद के द्वारा किया है उसका बहुत अच्छा लक जो है जनरेट होगा। इसे तभी इसे सेल्फ मेड लक यहाँ कहा जाता है। अब यहाँ पर लाइफ लाइन के फ्लो पर आप आएँ तो लाइफ लाइन का फ्लो कंपेरेटिवली निकल के सीधे बाहर की ओर जा रहा है। यानी जब बाहर की ओर इस प्रकार से निकलता है या केतु पर बायफोर्क होता है तो ट्रैवलिंग इस कारण से बहुत होती है। छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्राओं के भी योग यहाँ पर बनते हुए अच्छे देखने को मिलते हैं। और यहाँ देखेंगे आप तो कुछ हद तक यहाँ पर लाइफ लाइन जो है थोड़ा सा फेल करके चल रही है। तो तकरीबन 24 से लेकर के तकरीबन 29 का पीरियड जो है थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के टफ या उतार चढ़ाव, इस टाइम में स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिर जो ये ऑफशूट है ये 34 एज में निकला है तो घर बार लेने के भी चांसेस जो हैं 34 से 38 के अंतराल में बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक करें सपोर्ट सिस्टम की बात तो आपको सपोर्ट भी तकरीबन 32 के एज से ही मिलना स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छा। इसको स्पाउस का भी सपोर्ट कह सकते हैं, अदरवाइज स्पाउस का भी ना हो तो बाहरी दुनिया बाहरी लोगों का सपोर्ट अच्छा देखने को मिलता है जिसके कारण जो ड्रीम या डिज़ायर्स हैं वो कम्प्लीट होने के चांसेस पूरे होते हैं और एम्बिशन जो है पूरा होता है और सपोर्ट भी हमेशा मिलते रहता है जब जब ट्रबल आती है। वैसे बेसिक कोई यहाँ पर ट्रबल ऐसी लाइन है नहीं लेकिन तब भी छोटे मोटे अगर इश्यूज होते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाने वाले रहेंगे, ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे। आपका बेस्ट पीरियड 34 से ही स्टार्ट हो रहा है जो तकरीबन यहाँ आपको 42-43 के एज तक रहेगा। फिर थोड़ी सी यहाँ जो लाइफ लाइन बिखरी है तो फिर हेल्थ रिलेटेड थोड़े क्राइसिस या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। अंदरूनी मंगल थोड़ा सा वीक है लेकिन बाहरी मंगल अच्छा डेवलप है तो शारीरिक गठन थोड़ा कमज़ोर रह सकता है लेकिन मानसिक रूप से यहाँ पर आप बलवान रहेंगे। और यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी ले जाती है तो जल्दबाजी, हड़बड़ी, गुस्से से अपने आप को जितना हो सके दूर रखें तो सही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो एक स्ट्रेस लाइन बहुत बड़ी देखने को मिल रही है जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन पर काट गई है 27 के एज के अराउंड में, यानी 25 से लेकर 28 के बीच में, और वहीं काट कर गई है ये यहाँ पर माइंड लाइन पे भी 24 से 25 के बीच में। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा स्ट्रेस का आपका देखने को मिल रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पर आए शुक्र के क्षेत्र पर तो शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है लेकिन यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ और पर्सनल इश्यूज या मनी को लेकर के भी। तो अननेसेसरीज वरीज है, इट मीन्स खुद के द्वारा ये टेंशन जनरेट किया जाता है। तो जितना हो सके अपने आप को जैसे सिंपल रखें, किसी और रिलेशन में अगर ना आए या फैमिली के मैटर्स में थोड़ा सा कम जो है एक प्रकार से अटेंशन रखें तो इस प्रकार की रेखाएं डिजॉल्व होती है जिसके कारण कोई ऐसे डिमेरिट्स फिर देखने को नहीं मिलते। अगर शुक्र माउंट यहाँ नेगेटिव ऐसा हो जाए तो फिर मैरिड लाइफ के प्रति या फैमिली लाइफ के प्रति भी इश्यूज फिर ज़्यादा क्रिएट होने लगते हैं। अदरवाइज़ जहाँ तक रही सुख सुविधा या लग्जरीज की बात तो उसमें कहीं से कहीं तक आपको कोई ऐसी कमी बेसिक नहीं रहने वाला है। और केतु माउंट डेवलप्ड यहाँ पर अच्छा है, यहाँ से आप देखें तो एक फेट लाइन भी निकल के जा रहा है जो पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है, जैसे फैमिली से कोई बिजनेस हैंड ओवर होना, हाउस प्रॉपर्टी मिलना या आफ्टर मैरिज स्पाउस व उनके घर वालों से बेनिफिट मिलना, वैसे योग यहाँ पर बनते हैं। अदरवाइज़ जो चंद्र का क्षेत्र है ये भी डेवलप अच्छा है तो थोड़ा सा काल्पनिकता यानी ख्याली पुलाव आपके अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसे सकारात्मक सोच रवैया आपका यहाँ ठीक रहने वाला है और यहाँ से जो मरकरी लाइन ये निकल के चल रही है ये आपको ट्रैवलिंग के साथ साथ लाइफ में जो है बिजनेस के प्रति अट्रैक्ट करेगी क्योंकि और भी जैसे ये मरकरी लाइन है तो ये बिजनेस में आने के योगों को ही इंडिकेट करता है। जहाँ तक करें मनी ट्रायंगल की बात तो फिलहाल मनी ट्रायंगल प्योरली ओपन है
तो उस कारण से जीवन में धन अच्छा आता जरूर है लेकिन रुक नहीं पाता। तो बिल्कुल आप यही करें, क्योंकि आपका जो स्क्वायर का साइन यहाँ पर राहु पर भी क्रिएट हुआ है, मंगल पे हुआ है, फिर सन लाइन से हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत बेहतरीन चांसेस इंडिकेट करता है, बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई भी आपको ट्रबल या प्रॉब्लम मनी को लेकर के लाइफ में नहीं रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ लेफ्ट पाम की भी बात की जाए तो लेफ्ट पाम में यहाँ देख पाएंगे कि जो फिंगर है उसमें थोड़ा गैप बन रहा है, जो अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, और यहाँ सन माउंट वीक है तो एक प्रकार से सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी को ये इंडिकेट करता है। सैटर्न वीक है तो टेंशन, चिंता, बेफिजूल की भी ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो लाइन है फेट लाइन वो हालांकि बहुत अच्छी इंप्रूव होकर के चल रही, तो लक में यहाँ या मेंटेलिटी में भी कोई कमी नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि माइंड लाइन में भी बायफोर के है तो सोचने समझने की क्षमता या किसी दर्द को सहने की क्षमता अच्छी देखने को मिलती है। मर्करी लाइन यहाँ पर भी डेवलप्ड होकर के चल रहा है लेकिन प्योर मनी ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो कुछ स्ट्रेस लाइन जो आ रही है वो शुक्र की तरफ से ही आ रही है, तो फैमिली में किसी मेंबर के हेल्थ को लेकर के भी थोड़े टेंस्ड आप रह सकते हैं। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।